बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जी। और जैसा हमने सोचा था, क्योंकि ये जो जॉनर है ये पंजाबी में बहुत वर्केबल है, बहुत लोग ऐसी फिल्में देखते हैं। बट इसमें फ्रेशनेस ये है क्योंकि आज तक कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म नहीं बनी। सो फैमिली फिल्म, हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में बनती नहीं है, वो दो लोग जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और फेसबुक पे दोनों की बहुत ज़्यादा बनती है। फेक आईडीज़ पे लगे हुए हैं दोनों चैटिंग करने, उनको पता नहीं है कि हम ही हैं हस्बैंड वाइफ। तो हिलेरियस कॉन्सेप्ट है विद गुड मैसेज। एक खबर पढ़ी थी अखबार में कि एक हस्बैंड वाइफ फेक आईडी बना के चैटिंग करते रहे, 3 साल के बाद उनको पता लगा कि यार ये तो हम ही दोनों हैं। सो उसी के ऊपर ये हमने फिल्म बनाई थी, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है कि उन्होंने एक एंटरटेनमेंट की तरह इसको लिया हुआ है, सोशल मीडिया को। देखते रहते हैं, लोगों की प्रोफाइल देखते रहते हैं, लड़कियों की पिक्चरें देखते रहते हैं, लड़कियां लड़कों की पिक्चर्स देखती रहती हैं। सो एक उस जोन को लेके बनाया था, एंड बहुत अच्छी बनी है फिल्म। आप क्या कहना चाहोगे, सोशल मीडिया के ऊपर मूवी बनी है, सोशल मीडिया से किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है ट्रेलर आने के बाद, किस तरह के मैसेजेस आए हैं? जी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जी, क्योंकि जिसने भी ट्रेलर देखा है, तो मैंने देखा तो मेरी टीम ने मुझे दिखाया कि बहुत से लोगों ने नीचे टैग करके एक दूसरे को डाला हुआ था कि अरे देख रवि तू देख, तेरे देखने वाला यार, अंगद तू देख, है ना। वो यही था कि शायद उन लोगों की फेक आईडीज हैं, वो बनाते हैं, शायद वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे बातें करते हैं। क्योंकि ये नॉर्मली क्या है कि ये चीज़ सबकी ज़िंदगी से रिलेट करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने फेक आईडी बनाई है और आप किसी के साथ लगे हुए हो। सोशल मीडिया वैसे भी आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है चीज़ों के लिए। समटाइम के आप घर पे बैठे हो, ऐसे ही सोशल मीडिया देख रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम कम निकालते हो समटाइम, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ आपके रिलेशन को थोड़ा ब्रेक करती है। तो वही ये फिल्म है। टाइटल की मैं बात करूँ, यार मेरा तितली वर्गा, इसके ऊपर गाना भी पहले आ चुका है, जी इसके टाइटल के पीछे कुछ रीज़न है? हाँ, एक्चुअली हमने जब कहानी मैंने सुनी थी, मतलब जो राइटर मेरे हैं नरेश कतुरिया जी, जब उन्होंने सुनाई तो मुझे लगा कहानी बहुत अच्छी है, तो हम काफ़ी टाइटल ढूंढने लगे। तो हमें लगा कि यार ये टाइटल बहुत सूटेबल है, क्योंकि वो फेसबुक पे बैठा रहता है, कभी इस लड़की के साथ, कभी उस लड़की के साथ, कभी उस पर चैटिंग, कभी उस पर चैटिंग, है ना। तो वो टाइटल बहुत जा रहा था, कदे इस फोलते कदे उस फोलते, यार मेरा तितलियाँ वर्गा। सो इसलिए हमने ये टाइटल रखा, और जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि ये 100% यही टाइटल होना चाहिए था। आप किस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, हाउ डू यू यूज सोशल मीडिया? नहीं, मैं तो अभी तक ठीक ही यूज़ कर रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे तो हमेशा ऐसा होता है कि यार सोशल मीडिया है, हमें तो कोई फ़ायदा ही दे रहा है। कलाकार हो, कोई नेता हो, कोई जर्नलिस्ट हो, इनको तो फ़ायदा ही देता है। मतलब वो लोग जो अपना कई बार काम छोड़ के इस पर 24 घंटे बैठे रहते हैं, उनके लिए शायद ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनका कोई काम ज़्यादा इस पर होता नहीं है, और वो बार बार हम चेक करते रहते हैं क्या नया आया। एक न्यूज़ को 50 पोर्टल बता रहे हैं अपने अपने हिसाब से, बात वही है ना, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, घुमा घुमा के सब पकड़ रहे हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। सो चीज़ वही हम 50 बार देखते हैं, हमें भी पता नहीं लगता कि यार कौन सही है कौन गलत है। सो वो चीज़ है। बाकी सोशल मीडिया के बहुत से बेनिफिट भी हैं, आपको एकदम से चीज़ का पता चलता है, हमें भी बहुत बेनिफिट है। हमने ट्रेलर डाला, यूट्यूब पे ट्रेलर डलता है, फेसबुक पे डलता है, इंस्टाग्राम पे, फटाक से व्यूज़ आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं नीचे, यार ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, क्या है। तो डेफिनेटली हमें लगता है ये फिल्म हम जब प्रमोट करने लगे, तो हमने जब ट्रेलर निकाला तो मुझे लगा कि यार ट्रेलर के बाद इसका ऐसा रिस्पॉन्स आया, मुझे लगा कि यहाँ पे भी प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। और बहुत से ऐसे लोग थे जो पंजाब से नहीं थे, इधर उधर से थे, वो नीचे रिव्यूज़ अपने कमेंट्स डाल रहे थे, पाजी इसको कलकत्ता में भी लगाना, ये बॉम्बे लगेगी, ये इंदौर लगेगी, कहाँ लगेगी। तो हमें पता चलता है कि यार ये बंदे इंटरेस्टेड हैं इस फिल्म में, दैट्स वाई वी आर हेयर आज इन मुंबई। मुंबई की प्रमोशन चालू है, किस तरह के प्रमोशंस की प्लानिंग है मुंबई में, क्योंकि मुंबई इज़ लाइक बॉलीवुड हब हम जी मानते हैं, यहाँ पे बॉलीवुड हिंदी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है, जी पंजाबी मूवीज़ में भी अभी सराहा जाता है, जी काफ़ी प्यार मिलता है आप जी लोगों को, किस तरह के प्रमोशंस की प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल जी, क्योंकि बड़ा मेट्रो शहर है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे आए हैं कि प्रॉपर इसको प्रमोट करें, इसको प्रॉपर वाइड रिलीज़ करें सब जगह पे। पहले भी मैं लास्ट वीक आया था, तब भी मैं 2 दिन यहाँ पे फिल्म को प्रमोट करके गया, अभी भी सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि फिल्म प्रमोट की जाए प्रॉपरली। तो मेरा हमेशा टारगेट होता है कि, क्योंकि यहाँ से जो न्यूज़ है वो निकलती है, पूरे पैन इंडिया में जाती है, बाकी फिल्म अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हमारी कई फिल्में यहाँ पर रिलीज़ भी नहीं हुई थी, जैसे कैरी ऑन जट्टा है पहली,
जब फर्स्ट रिलीज आई थी फिल्म 2012, तब बॉम्बे में फिल्म लगती भी नहीं थी, कहीं एक आध स्क्रीन पे शायद लगती थी बड़ी मोटी। तो इतने लोग मुझे आज तक मिलते हैं जो बोलते हैं कि यार हमने कैरी ऑन जटा देखी, हमने कैरी ऑन जटा देखी, सो व्हाट अ फिल्म। तो मुझे लगता है कि यार वो सब लोगों ने जाके पायरेटेड वर्जन्स जहाँ टीवी पे कहीं वहीं देखी है ना, तो अगर वो फिल्म प्रॉपर प्रमोट करके यहाँ सिनेमा में लगाई गई होती तो जितने लोगों ने वहाँ पे देखी तो वो लोग सिनेमा में भी देखते। और डेफिनेटली अगर आप देखो तो पहली का बिजनेस था जो वो मसाई 15-16 करोड़ के आसपास का बिजनेस था, और जब सेकंड कैरी ऑन जट्टा आई तो उसका ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास का बिजनेस हो गया। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ना फिल्म का, बहुत से लोगों ने देखी। तो अभी हम जब ये नई फिल्में बना रहे हैं तो हमारा टारगेट है कि हम इनको और एक्सप्लोर करें कि उसको भी बीट करें ये फिल्में। मोस्टली मैं बॉम्बे की मैं बात करता हूँ, मोस्टली बॉम्बे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाबीज आर योर फ्रेंड्स, इवन बीइंग अ गुजराती गाय आई एम योर फैन, अलग अलग कास्ट से आपके फैंस हैं, तो पर आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जो मूवी है अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में भी बनाना चाहिए? जी पंजाबी मूवी हो गई उसको हिंदी में डब करना, जी 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 मोस्ट ऑफ द थिंग बिल्कुल बनाना चाहिए जी, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को 100% एग्री करता हूँ। और हम इवन हमारी एक नई नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है नेक्स्ट ईयर, कैरी ऑन जट्टा 3, तो वो एक बड़ी फिल्म है जिसका मतलब ऑलरेडी फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा हो चुका है, सो बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, अभी 4 साल के बाद वो फिल्म आएगी। तो उसको हम हिंदी और साउथ की तमिल तेलुगू बहुत सी लैंग्वेज में हम उसको डब कर रहे हैं, तो प्रॉपर रिलीज़ करेंगे, प्रॉपर उसका पैन इंडिया रिलीज़ होगा। तो अभी कोशिश तो हमारी ये है कि हमारी कोई भी फिल्म है हम उसको प्रॉपर रिलीज़ करें, बट अलग अलग लैंग्वेज की यहाँ तक बात है, फिर वो कैरी ऑन जट्टा से स्टार्ट करेंगे। मोस्टली हम देखते हैं बॉलीवुड की मैं बात करूँ, इसमें आपका सरदार लुक है, बॉलीवुड में भी काफ़ी सारे सरदार लुक है, हाल ही में लाल सिंह चड्ढाई, मैं जानना चाहूँगा कि पंजाब में किस तरह से बॉलीवुड को एज ए सरदार गेटअप जब हम देखते हैं, हमारे आमिर खान जी हो गए, रणबीर कपूर जी हो गए, काफ़ी सारे एक्टर ने सरदार का लुक किया है, पर मैं जानना चाहूँगा कि उस पंजाब में किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है? देखो डिपेंड करता है कि कौन सा कैसा लुक है। सो जैसे लाल सिंह चड्ढाई तो सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब ने देखी है, पंजाब में फिल्म चल भी बहुत अच्छी रही है, ओवरसीज़ भी यहाँ जहाँ पंजाबी बैठे हैं सब देख के आ रहे हैं, मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार परी फिल्म बहुत अच्छी है, तो पंजाब में सब लोग गए पंजाब में देखने, CM तक गए, उन्होंने भी मैसेज भेजे, ट्वीट डाले कि यार फिल्म बहुत अच्छी है, हमें फिल्म बहुत अच्छी लगी। और हमें सिर्फ तब प्रॉब्लम होती है जब कई पंजाबी करेक्टर में आके गेटअप में आके फिल्म बनाते हैं और पंजाबी गेटअप प्रॉपरली नहीं बनाते। तो अब हमारा क्या है, हम जब कोई भी फिल्म बनाते हैं, हम टिपिकल पंजाब में रहने वाले लोग हैं, हमें पंजाबी की हर चीज़ का पता होता है कि यार ये असली है, ये नकली है, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, और वो चीज़ें कभी कभी पिंच करती हैं। जब आप किसी सरदार बन रहे हो तो आप उस चीज़ पे काम नहीं करते, आप पगड़ी पे काम नहीं करते, ऐसे ही किसी को भी ले लिया गया यार तू पगड़ी बांध दी हो, पगड़ी बिल्कुल सेट नहीं है, आपने दाढ़ी चाहे नकली लगाई हो पर प्रॉपर तरीके से लगाओ तो सही ना, ऐसे लगे कि यार सरदार है, तो वो चीज़ें हमें कई बार अच्छी नहीं लगती। बाकी तो कोई भी ऐसे अच्छे रोल पोर्ट्रे करते हैं हमें पसंद है। कोई ऐसा पर्टिकुलर रोल जो आपको पर्सनली काफ़ी बुरा लगा हो, काफ़ी अच्छा ना लगा हो? ऐसे बहुत से हैं जी, तो मैं अभी क्या बोलूं कि कौन से हैं, नहीं एक्चुअली तो अभी जब से हमारे लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे दिलजीत आया वो खुद पगड़ी बांधता है, तो उनको देख के बहुत से लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ, अच्छा ऐसे ही होते हैं गेटअप, ऐसे लुक्स होते हैं, नहीं तो पहले जो सरदार की इमेज बनाई जाती थी वो तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, तो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं होते थे, कुछ कुछ फिल्मों में ठीक लगते थे, बाकी 90% तो ख़राब ही होते थे। सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, जिस तरह फेक आईडी है, आपने कभी लाइक किसी से बातचीत करके बाद में आपको पता चला ये फेक आईडी है, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? एक्चुअली क्या है कि जब से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं आर्टिस्ट बन गया था, मैं सिंगर था, फिर एक्टर हो गया, फिल्में बनाने लग गए बहुत से, उसी वक्त मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया है, उससे पहले सोशल मीडिया कोई प्रॉपर था ही नहीं। मुझे याद है पहले जब वो एक ऑर्कुट करके कुछ एक आई थी, तो उसके बाद फेसबुक आया, तो उन्हीं पे था, तो मेरे साथ ज़्यादा किसी के ऐसे इंट्रैक्शन हुई नहीं सोशल मीडिया पे, बट आई नो दैट बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि 90% लोगों ने एक एक दो दो सेपरेट अकाउंट भी बना रखे होते हैं, कि मतलब इसको लॉग आउट किया, उसको डाला खटक, उससे बातें बातें करनी शुरू की, वो चैटिंग के लिए एक अलग चल रहा है, तो वो
मेरा तो बन भी नहीं सकता, मतलब सेलिब्रिटी के लिए तो वो चीज़ मुश्किल है, बट पता नहीं बहुत से लोग बनाते हैं। मुझे तो याद है कि जब फेसबुक शुरू हुई थी तो हमारे एक दोस्त थे, वो ही इज़ अ राइटर, तो उसने मुझे बोला कि यार मैं तो बहुत सी लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता हूँ सुबह शाम कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो मैं क्या, अच्छा, कहता मैंने उल्टा काम कर दिया। कहता क्या, कहता मैंने तो टाइम ही पास करना है, कहता मैंने एक नई आईडी बना ली लड़की के नाम से, तो कहता मैं लड़कों को भेजता हूँ। कहता सुबह सुबह 50 रिक्वेस्टें आई होती हैं मुझे, कहता मैं खोलता हूँ, दो तीन बातें करता हूँ, प्यारी प्यारी कहाँ से हो कैसे हो, तो वो कहने लग जाते हैं मिलते हैं, ये करो वो करो। तो मैं कहता कभी किसी को कहाँ बुला लेता हूँ, लुधियाने आ जा, किसी को जलंधर आ जा। कहता जब वो आ जाते हैं बोलता हूँ नहीं आज मेरा, मैं आ नहीं सकी, मैं ये नहीं हुआ। तो मतलब लोगों का इसमें भी फन है, मतलब हर बंदा अपने जोन में, लोगों के पास टाइम है तो वो स्पेंड कर रहे हैं, कोई कैसे कोई कैसे। अगर आप सपोज अगर आपकी कोई फेक आईडी है, हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करूँ, कौन सी तीन बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसको आप पहले रिक्वेस्ट भेजना चाहोगे? पहले रिक्वेस्ट भेजना चाहूँगा, ऐसे तो मैं बहुत सी लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज दूँगा मैं, क्योंकि अभी अभी सब की सब शादीशुदा हैं, तो क्या बोलूँ मैं किसको भेजूँ। वैसे नहीं तो मैं भेजता, मैं दीपिका को भेज देता, आलिया भट्ट को भेज देता, कटरीना कैफ को भेज देता, सो बहुत सी लड़की हैं। और आपकी मूवी में चैट्स भी हुए, तो थोड़ा चैट्स आप क्या करते, क्या क्या मैसेजेस करते हैं आप? आपने पहले सबसे पहले दीपिका जी का नाम लिया, जी उनसे पहले सबसे पहले क्या बातचीत होती है आपकी? देखिए, हम पंजाबी हैं, मतलब हमें बातचीत का तो ज़्यादा हिसाब ही नहीं है तो मतलब ये तो सीधे ही चलते हैं, तो मतलब मुझे तो समझ नहीं है कि हम क्या करते। मतलब मैं पंजाबी जी मैसेज पे दई, और की हाल चाल है, ठीक ठाक हो तुसी, ते कित्थे हो जी, मतलब इदा दियां गल्लां होंदियां। और आप आई डोंट नो, इससे ज़्यादा तो अब रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि उधर से क्या रिस्पॉन्स आता है, तो फिर बताते आगे क्या होता है जी। आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था इस ट्रेलर के बाद, कि बहुत उन्होंने अच्छा, कहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी, और उन्होंने कहानी मेरे से सुनी भी हुई है, और अभी तो फिल्म भी देखी है उन्होंने। मतलब ये एक वो फिल्म है जो आपको खूब हंसाती है, इतना हंसाती है कि मतलब आप देखते देखते कुर्सियों से गिर जाते हो, मतलब इतना हंसा। कई बार क्या होता है कि आप सीन चल रहा है तो आप इतना हंस रहे होते हो तो कितने पंचेस निकल जाते हैं आपको, मतलब आपकी लाफ्टर में ही निकल जाते हैं। सो सबको ये फिल्म अच्छी लगने वाली फिल्म है, और एक स्ट्रांग मैसेज है, स्ट्रांग मैसेज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखें जो रेशो है तलाक की, डिवोर्स की, वो बहुत बढ़ चुकी है। तो क्या है कि पेशेंस लेवल बिल्कुल ही कम हो गया है लोगों में, ईगो बहुत ज़्यादा आ गई है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो वाइफ कहती है कि हस्बैंड सॉरी मांगेगा, हस्बैंड कहता है कि वाइफ सॉरी मांगेगी, मतलब ये भी एक डिबेट है। तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, मतलब हमारी कहानी के अगर ट्रेलर आप देखो तो उसमें क्लियर है कि दो हस्बैंड वाइफ जिनकी बिल्कुल रियल लाइफ में नहीं बनती, वो फेक आईडी बना के चैटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं किसी और लोगों के साथ, बाय चांस वो फेक आईडी के ऊपर मिल जाते हैं। तो अब वो दो जिनकी बिल्कुल नहीं बनती, उनकी फेसबुक पे ऊपर बहुत बनती है, उनको लगता है कि यार मेरा लाइफ पार्टनर ये नहीं, ये होना चाहिए था, है ना, जबकि वही है। तो अब क्या है कि चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, वही बंदा है, उसके साथ इतनी अच्छी बातें हो रही हैं और इधर बिल्कुल ही नहीं हो रही हैं। वो आपने आपका नज़रिया बदला है, दूसरे बंदे का नहीं बदला, उधर जाके आपके नज़रिए सही हैं तो एवरीथिंग इज़ डन। सो मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ये एक अच्छा मैसेज है फिल्म में, तो जो सबको चाहिए कि मतलब चीज़ों को हम सॉल्व कर लें। इसके अलावा मैं ट्रेलर जब देख रहा था, मैं मोस्टली जब ट्रेलर मैं देख लेता हूँ उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन की तरफ जी रुक करता हूँ, जो आपके बच्चे का किरदार है, जी छोटे बच्चे ने निभाया, जी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, जी काफ़ी प्यार मिल रहा है उसको, जी आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का बॉन्डिंग था आपके ऑन सेट? बहुत अच्छा बॉन्डिंग था जी, क्योंकि उसका नाम हमने फिल्म में सुंडी है, तो सुंडी कह के उसको सेट के ऊपर सब बुला दे, सुंडी आ जा सुंडी आ जा, मतलब वो एक बहुत ही अलग करेक्टर था। वैसे बहुत शाय था वो बच्चा, बट जब बोलता है ना ओ डैडी, मतलब उसका एक अलग ही स्टाइल था, और उसने वही पकड़ के रखा, और वो इतना अच्छा लग रहा है। मतलब वो एक सबसे बड़ा पंगा है हमारी फिल्म में कि हस्बैंड वाइफ के लिए के बीच में बिल्कुल टाइम जो है वो स्पेंड नहीं हो रहा, ओनली बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि वो बच्चा ही ऐसा है ना। तो वो एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है और लोग उसको, उसके करेक्टर को बहुत एंजॉय करेंगे। और एक कैरेक्टर है आपकी, जो वाइफ, जो मेन जी कैरेक्टर जी हम तनु देख सकते बेअंतर, हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली क्या है कि तनु की ये सेकंड फिल्म है, तो
हम जब ढूंढ रहे थे हमें कोई फ्रेश फेस चाहिए था, हमें लग रहा था कि जो टिपिकल पंजाबन बेअंत लगे हम उसको लेके आए। सो बहुत सी लड़कियों के हमने ऑडिशंस भी किए, बट फाइनली जब तन्नू आई तो हमें लगा कि यार ये, बट उसका हमें एक डर था क्योंकि वो बॉर्न ब्रॉट अप कनाडा की है कि यार इसकी लैंग्वेज आ जाएगी, बट जब ऑडिशन ऑडिशन लिए तो बिल्कुल ही मतलब टिपिकल उसने देसी ऑडिशन दिए, तो डब की फिल्म तो ऐसे लगता है कि यार ये ऐसे लगता है कि वो कभी बाहर ले कंट्री गई ही नहीं होगी। सो इट्स अमेजिंग और रोल बहुत अच्छा है एंड मुझे लगता है उसने बहुत अच्छा किया है। एंड उसके जब जब आप कमेंट्स की बात करते हो तो हमें भी उसका फीडबैक बहुत ही अच्छा आया, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही चालाक और बहुत ही मतलब कनिंग सा खराब करेक्टर है, कमीना करेक्टर है वो, है ना, इधर भागता है कभी उधर भागता है। तो उसके अपोजिट एक लड़की चाहिए थी बहुत ही शरीफ, जो साहू है, जो मतलब ऐसा गलत काम कुछ भी नहीं करती, तो वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा पाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम सोशल मीडिया की चर्चा हो रही है, तो सोशल मीडिया, जब हम ट्विटर की बात करें, काफ़ी सारे हैशटैग्स फेमस हो जाते हैं, काफ़ी सारे हैशटैग जो मूवीज़ में भी आते हैं। जी हम मूवी की बात करें तो मूवी के पीछे डायरेक्टर रहते हैं, प्रोड्यूसर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, जी पर जब एक्टर कुछ ऐसी बातें बहुत सालों पहले बोल देते हैं और उस चीज़ को बहुत साल बाद हैशटैग आ जाता है बॉयकॉट, जो अभी काफ़ी फेमस है, और लाल सिंह चड्ढा पे काफ़ी जन उन्होंने बोला था बॉयकॉट करना चाहिए। और अब मूवी, अब मैं जब थिएटर में जाता हूँ तो काफ़ी लोग कम हैं, केवल एक दो जन है, और मूवी काफ़ी बॉयकॉट हो चुकी है जी ऑलमोस्ट। आप क्या कहना चाहोगे, आपका क्या टेक ऑन है इस बातों पे, बॉयकॉट की बातों जी पे? एक्चुअली यार मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि ये जब बायकॉट वाली जो अभी चीज़ उठी, क्योंकि ये तो दंगल के पहले की बात है, तो मतलब दंगल को सब ने देख लिया, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई डोंट नो वाई वो फिल्म इतनी ज़्यादा हिट हुई, बॉक्स ऑफिस पे सब कुछ अच्छा था, तो अभी आके फिर चीज़ उठ गई, अभी चीज़ें हो गई, तो अभी फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी किसी ने पता नहीं तो किसी ने चला दिया ये जानबूझ के, पहले नहीं चलाया। आई डोंट नो, मुझे ये इस बात की समझ नहीं है, क्योंकि जो फिल्म है, जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर है, वो मतलब ये एंटरटेनमेंट है, वो सबके हैं, आपका पर्सनली कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं है कि जो आप फिल्म बनाते हो किसी का भी आपका मन कि किसी को दिल दर्द हो, किसी को दुख लगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं करते हो। तो आर्टिस्ट को वो सब चीज़ें सोचनी चाहिए, तो मतलब आर्टिस्ट कभी भी ऐसे नहीं चाहता कि किसी को ठेस पहुंचे। सो लोग निकालने वाले कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। बाकी आजकल मुझे लगता है कि देखो बहुत हार्ड हो गया है, फिल्म बनाने से पहले 100 बार चीज़ें हम हर स्क्रिप्ट में मेरी में ऐसा होता है कि जब स्क्रिप्ट आ जाती है उसके किसी ना किसी एक दो सीन्स के लिए हमारी बहस हो जाती है कि नहीं यार इसको निकाल दो किसी को बुरा ही ना लग जाए, इसको निकाल दो किसी को बुरा ही ना लग जाए, मतलब अदरवाइज मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्म में बहुत अच्छी हो सकती हैं, मतलब हमें वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये नाराज़ हो जाएगा वो नाराज़ हो जाएगा, उसके चक्कर में कंटेंट है जो वो वीक बनने लग गया है। यही एक प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट में थोड़ी गिरावट भी आ रही है, बट फाइनली अभी देख के हिसाब किताब के साथ वो सीन निकाल देते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती इन चीज़ों की। बाकी इसके अलावा मई महीने में जो घटना हुई थी पंजाब में, आज भी हमारा बॉलीवुड होगा या फिर कोई भी इंडस्ट्री होगा काफ़ी दुख में, आज जी तक दुख में। जी मैं सिद्धू मूसेवाले जी की जी जी बात आई कर नो रहा आई नो हूँ, उसके साथ आपके कई प्रोजेक्ट जी थे, जी आपने कई प्रोजेक्ट की चर्चा भी हुई थी, जी फैमिली से चर्चा जी हुई, जी आप कुछ कहना चाहोगे उस सारे प्रोजेक्ट के बारे में एंड आगे किस तरह से देख रहे हो आप सर? देखिए सिद्धू तो मतलब वो आर्टिस्ट बाद में था, पहले हमारा भाई था छोटा, मतलब इट्स लाइक वो तो मतलब हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ये हो जाएगा, है ना, तो कभी सोचा ही नहीं था, मतलब ये तो एक हमारे लिए तो वो ब्लैक डे हो गया, है ना, मतलब हमने कभी सपने में भी ये चीज़ सोची नहीं थी। तो बाकी वो जो प्रोजेक्ट्स की बात थी वो ये था कि उसके उसके बहुत से गाने बहुत से आर्टिस्टों के पास, बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास पड़े थे लेफ्ट राइट, क्योंकि वो जब भी जाता था बहुत सी चीज़ें गा देता था, तो वो हमने ज़रूर एक बार कोशिश की कि जिस जिस के पास वो चीज़ें पड़ी हैं वो सब लाके उनके पेरेंट्स को दें, ताकि कोई उनको एक्सप्लॉयट ना कर सके। वो कई बार अनरिलीज चीज़ें होती हैं, कई बार अच्छी नहीं होती हैं चीज़ें, कई बार अनफिनिश्ड होती हैं, जहाँ अगर वो प्रॉपर बनी हैं तो वो अब प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स की है, नॉट के किसी और इंडिविजुअल की। तो वो उसके लिए हमने सबको रिक्वेस्ट की थी और सब ने हमारी सपोर्ट भी की। तो जब लास्टली अभी मैं पीछे थोड़े दिन पहले उनके फादर को मिला भी था, तो इस साइड के वो सब गाने आ गए हैं, तो अभी थोड़े
थोड़े थोड़े महीनों के बाद एक एक गाना हम उसका रिलीज़ करते रहेंगे। सो उसके दुनिया में बहुत ज़्यादा फैंस हैं। सो सभी को अब उसके जो गाने बचे हैं वही एक उसको ज़िंदा रखेंगे, उनको वो सबकी वेट है, सबको वेट है, सब चाहते हैं कि हर 3-4 महीने के बाद कुछ ना कुछ गाना आ जाए। तो वो टच बोर्ड अभी बहुत से गाने हैं वो सब आएंगे। इसके अलावा मैंने आपके लास्ट इंटरव्यू में देखा है तो आपने कहा था कि वो एक जगह डब करने जाते, एक गाना डब करने जी जी, वही लिरिक्स में बोल देते ये गाना आएगा वो गाना आएगा और 10 गाने हाँ 10 गाने डब करके वो रिटर्न आते। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना बड़ा नुकसान है हमारे भारत में, हमारे वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है जी। कोई भी आर्टिस्ट जाता है और कोई भी आर्टिस्ट जाता है तो नुकसान तो होता ही है, बट ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था जिसकी फैन बेल्ट में और इतने शॉर्ट टाइम में किसी ने इतना बड़ा नाम बनाया था, एवरीबडी नोज हिम। सो वो बच्चे जो बाहरले कंट्रीज़ में रहते हैं जिनका पंजाबी के साथ कोई लेन देन भी नहीं था, वो भी इसका म्यूज़िक सुनने लग गए थे। ड्यू टू दैट पंजाबी लैंग्वेज और बड़ी हो गई थी। सो कम ऐसे आर्टिस्ट कभी कभार पैदा होते हैं। सो इट्स अ ह्यूज लॉस। एंड मोस्टली आपको ऐसा लगता है कि हम जब अब फ्रेश जनरेशन आएगी उसे काफ़ी ज़्यादा याद किया जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा देखते, तो हमारे यूथ के लिए कोई संदेश आप देना चाहोगे? देखिए जनरेशन आपको देखती है, देखिए पहले तो बताऊँ कि उसको तो बिल्कुल याद किया ही जाएगा, क्योंकि मतलब कोई बड़ा आर्टिस्ट होता है जिसने कुछ कमाल किया होता है उसको कोई नहीं बोलता, उसको कुछ कोई नहीं बोलता, उसके गाने हमेशा रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। और अभी क्या होगा, अभी तो इसके बहुत से गाने पड़े हैं जो अभी आएंगे, उसके बाद इसके गाने कोई रीमिक्स करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो सदियों तक ऐसे ही चलेंगे, कभी कहीं डलेगा कभी। बाकी जो नया यूथ है तो बस मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अच्छे काम कीजिए और मेहनत कीजिए, डेफिनेटली देर इज़ कोई रास्ता नहीं है सक्सेस के लिए, सिर्फ मेहनत ही है। सो वो काम करो और जो सच्चे दिल से और ईमानदारी से मेहनत करता है उसको डेफिनेटली उसकी मंजिल मिल जाती है। एंड से नो टू ड्रग्स, दैट्स इट। एंड 2 सितंबर को ये मूवी आ रही है जी, जाते जाते दो लाइनें यार मेरा तितली वर्गा। अच्छा जी, ज़रूर मैं, क्योंकि ये गाना मैंने गाया तो है नहीं बट हमारी फिल्म में है। बट यू सिंग वेरी वेल। हो कदे इस फुल ते, कदे उस फुल ते, यार मेरा तितलियां वरगा, हो यार मेरा तितलियां वरगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।